साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई क्वारंटाइन से रिलेटेड। जी हां साथियों, क्वारंटाइन मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, आपको पता ही होगा कि सरकार की लापरवाही, सरकार ने 7 दिन तक विदेश से आए लोगों को जयपुर क्वारंटाइन में रखा राजस्थान में और बिना जांच के उनको घर भेज दिया। जी हाँ साथियों, घर आके बंदे की लोकल जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने जांच करी कि भाई विदेश से जो बंदा आया है 7 दिन घर पे क्वारंटाइन रहना पड़ता है, आपको पता ही है। तो उनकी जाँच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक तरफ 7 दिन जाँच नहीं होती है, दूसरी तरफ एक दिन में जाँच हो जाती है, रिपोर्ट मेडिकल की वो रिपोर्ट भी आ जाती है कोरोना से रिलेटेड। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा साथियों, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भी फर्स्ट को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। मैंने बताया था भाई, हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट का एक मैटर था, मस्कत से लौटे हुए के संपर्क में, यानी इस बंदे का जयपुर में क्वारंटाइन किया गया था एक ITI कॉलेज में। मैंने एक वीडियो डाला, अपने सबने देखा, वहाँ पे जितने भी बंदे थे वहाँ से मुझे भी कॉल आए थे काफ़ी सारे लोगों की, सर की कोई जांच नहीं हो रहा है, सिर्फ थर्मल स्कैनिंग करके लोगों को घर भेजा जा रहा है। जब दैनिक भास्कर ने उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बोला इनमें लक्षण नहीं थे इसलिए हमने जांच नहीं करी, जबको पूरी दुनिया जानती है अब जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें लक्षण दिखाई नहीं देते, ये पूरी दुनिया जानती है, फिर भी मेडिकल स्टाफ ने लापरवाही से उनको घर भेज दिया इसकी जाँच किए बिना। यहाँ अपने घर आके इसकी जाँच हुई तो एक दिन में, दूसरे दिन इसकी रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जी हाँ साथियों, और मैं बता दूं ये बंदा 30 तारीख को आया था और उसके बाद में इसने नाई की दुकान में, बाजार में करेंसी चेंज कराई, हलवाई की दुकान में, लगभग एवरेज इसकी हिस्ट्री देखी गई ट्रेवल हिस्ट्री वहाँ लोकल में, तो मैं बताऊँ 2 दिन में 41 पीपल्स यानी 41 लोगों से ये मिल चुका था, रिपोर्ट आने के बाद में पता लगा। अब आप सोचिए, मैं हर बार बोलता हूँ भाई, एक इंसान खुद पॉजिटिव होता है कितने लोगों को बर्बाद करता है, इस बंदे ने 41 लोगों के संपर्क में आ गया। जी हाँ साथियों, तो भाई लोकल स्टाफ है ना, उसके हाथ पाँव तो फूलने थे, आपको पता है कि लापरवाही की वजह से हुआ है सब कुछ। उनकी रिपोर्ट उनसे पूछा गया, 40 के 40 लोगों से पूरा उनको सर्च किया, उनको ढूंढा, ढूंढ ढांड के सबको क्वारंटाइन किया, उनकी सबकी सैंपलिंग ली, सबकी जांच करी गई। ऊपर वाले का शुक्र है कि सबके सब नेगेटिव रिपोर्ट आई, सबकी एक भी बंदे की पॉजिटिव नहीं है। ये अच्छी बात है, किस्मत थे कि ये कोरोना पॉजिटिव 41 लोगों से मिलता है, सबके सब नेगेटिव आ जाते हैं, ये अच्छी बात है। अगर इनमें से 5-10 भी पॉजिटिव हो जाते तो भाई वो फिर कितनों से मिले होते, तो कितने लोग खराब हो जाते भाई। सीधी सी बात है, इंडिया में फर्स्ट में 1 या 2 बंदे कोरोना पॉजिटिव आए थे, आज 3 लाख से ऊपर आंकड़े हो गए। इंडिया के हालात खराब होने वाले हैं, मैं बता दूं 10 लाख प्लस केस होंगे इंडिया में अगले महीने तक की न्यूज़ आ रही है। ये मान लीजिए अकेली दिल्ली में 5 लाख का आंकड़ा आ रहा है, समझ गए बात को, तो इंडिया में 10 लाख प्लस जाएंगे और मौतें भैया 8,000 के करीब मेरे हिसाब से अभी तक पहुंच चुकी हैं। तो स्थिति इंडिया की खराब होने वाली है और ये मतलब एक सरकार की लापरवाही मैं मानूंगा, कर्मचारियों की, समझ गए बात को। तो इन चीज़ों को भाई ये जानकारी आपके साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप विदेश से आ रहे हैं तो जांच करने के लिए आप मतलब एक्शन लीजिए, अगर आपकी जांच नहीं हो रही है एक्शन लीजिए। यहाँ के दैनिक भास्कर ने मुद्दा उठाया था तो उसकी मैं एक वीडियो अलग से डालूंगा, आजकल में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और मुझे लग रहा है कि राजस्थान में अभी सब बंदों की जो विदेश से आ रहे हैं सब की स्क्रीनिंग होगी। जी हाँ, तो ये बता रहा हूँ कि जो भी विदेश से आ रहे हैं भाई, आपकी जांच नहीं हो तो आप उनको बोलो कि हम 7 दिन रह के 15,000 रुपये खर्च करके अपने खर्चे पे रह रहे हैं और फिर आप जांच नहीं कर रहे हो तो हमें रखने का मतलब क्या है, ये बता दीजिए। आप सवाल कर सकते हो, आप वीडियो बनाइए उनका, सोशल मीडिया पर डालिए, हकीकत बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे दबाव पड़ता है ना, सब कुछ आगे पीछे है ना, बंदा हो जाता है फिर, समझ रहे हो बात को। बस ये अपडेट देना था साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद।